गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल ऑन एक्सल लाइन। उसी में आगे आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल ऑफ एट पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, कि कोई भी एक पॉइंट है हमारे पास वो कहाँ पे है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। तो सिमिलरली वही प्रोसेस, सबसे पहले वी हैव कंसिडर ए डाइपोल ए बी हैविंग लेंथ टू ए एंड ए सेंटर ओ मिडल पॉइंट, देन ए ओ एंड ओ बी इक्वल्स टू ए और ए। लेट अस कंसिडर डाइपोल, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय पी इज इक्वल्स टू क्यू इन टू टू ए। After that, we consider a point P from the center of the dipole at a distance r. कि हमने consider किया r distance पे एक point P किसे, center of dipole से। After that, here a P is equals to root r square plus a square by Pythagoras theorem. Similarly, BP or पी बी इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रूट एक। आफ्टर दैट एट फर्स्ट वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, देन इवन बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। इसके कारण से सिमिलरली एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर के बराबर, क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से पॉइंट ए के ऊपर माइनस क्यू है, इसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ई वन इज इक्वल्स टू हो गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है क्यू मैग्नीट्यूड फॉर्म, और डिस्टेंस कितनी है ए पी स्क्वायर। तो ए से पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट की, वो किसके बराबर है, रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के बराबर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट पी एट बी, कि बी के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पे भी चार्ज क्या है, सेम है, क्यू है मैग्नीट्यूड वैल्यू, ई टू की जो वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट क्यू चार्ज, और जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी बी पी, बी से और पी डिस्टेंस, लेकिन ये भी क्या है ए पी के इक्वल ही है, तो ये इसकी वैल्यू। डायरेक्शंस जो हैं कि नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर अगर हम डायरेक्शन कैलकुलेट करें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन तो ये हो जाएगी अलोंग पी ए फर्स्ट वाले की, ईवन के लिए जो कैलकुलेट किया उसकी। सिमिलरली ये दोनों पॉजिटिव हैं पी पे भी और बी पे भी, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए इनकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग बीपी प्रोड्यूस। इसके बाद कि हम एंगल कंसिडर कर लें, कि लेट पी ए बी, पी ए बी ये वाला एंगल है हमारे पास थीटा, तो ई वन और ई टू को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर हम ब्रेक करें यहाँ से, तो एक तो हो जाएगा ई वन साइन थीटा, एक हो जाएगा ई टू कोस थीटा। सिमिलरली E2 के लिए भी E2 टू साइन थीटा और E2 टू कोस थीटा, जो कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ से ये वाले कंपोनेंट हो गए हमारे पास E1 वन साइन थीटा नीचे की तरफ, E2 टू साइन थीटा ऊपर की तरफ, E2 टू कोस थीटा और E1 वन कोस थीटा दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है। ये वाला एंगल जो है थीटा, उस हिसाब से हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इनको क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। इसके बाद कि अगर दोनों में E1 और E2 की वैल्यू अगर हम देखें, तो दोनों की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो क्या है, सेम है। यहाँ से E1 और E2 किसके बराबर हैं, दोनों मैग्नीट्यूड वैल्यू बराबर हैं, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा डायग्राम के अंदर अगर हम देखें, E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा दोनों क्या हैं, इक्वल और अपोजिट हैं, तो जिसके कारण से क्या हो जाएगा कि ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो कंपोनेंट बचेगा केवल, वो किसका कंपोनेंट बचेगा, E इज इक्वल्स टू ओनली कोस थीटा का, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा।
तो रिजल्टेंट दोनों इक्वल हैं ई वन और ई टू, तो दोनों को हम लिख सकते हैं टू ई वन कोस थीटा या टू ई टू कोस थीटा। अब इन ट्रायंगल ए पी बी, ये वाली जो ट्रायंगल है हमारे पास, या ए पी ओ दोनों के अंदर इसमें से निकालें, ए पी ओ में से या बी पी ओ दोनों में से अगर कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से ए क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये जो सेंटर है यहाँ से ए ओ इसकी वैल्यू क्या है ए, और जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू क्या है रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो कोस थीटा इन ट्रायंगल ए पी ओ कोस थीटा किसके बराबर आ गया ए बाय रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के बराबर। ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट करें दोनों की, इवन की तो कांस्टेंट जो वैल्यू है वो हमने पुट कर दी, और इनटू कोस थीटा है वो कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से एक पावर ये इसकी वन है, इसकी पावर वन बाई टू है, तो टोटल पावर कितनी हो गई थ्री बाई टू। ऊपर क्या है क्याओ इंटू टू ए, क्या इंटू टू ए किसके बराबर होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बराबर पी के बराबर, वो वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी। तो ई इज इक्वल्स टू आ गया पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कंप्लीट पावर थ्री बाई टू। इसके बाद कि हम कंसिडर करें इफ डायपोल इज वेरी स्मॉल दैट पॉइंट डायपोल देन टू ए लेस मच मच लेस देन आर, तो जिसके कारण से हम क्या करेंगे ए को नेग्लेक्ट कर देंगे आर स्क्वायर के कंपेरिजन में, तो जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ से ए को हमने क्या कर दिया नेग्लेक्ट, तो आर स्क्वायर होल्स पावर थ्री बाई टू, तो वहाँ से टू कैंसिल ई इज इक्वल्स टू पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये आ गया। इसके बाद कि भाई हमने कल कैलकुलेट किया एक्सियल लाइन के केस में और इक्विटोरियल लाइन के केस में, आज कैलकुलेट किया दोनों के बीच में रेशियो क्या है, कि रिजल्टेंट अगर हम देखें तो यहाँ से ये इक्विटोरियल के लिए पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये एक्सियल के लिए टू पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। डिफरेंस क्या है ये टू टाइम्स है किसके इक्विटोरियल के, तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्विटोरियल दैट इज इक्वल्स टू टू, और दोनों के बीच में जो रेशियो है वो भी क्या आ जाएगा टू रेशियो वन। ये क्या है इम्पोर्टेंट है कि दोनों के बीच में रेशियो क्या होता है टू रेशियो वन।